हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ कि नोट्स बनाना है तो कैसे, या किसी चैप्टर को पढ़ना है तो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल, जैसे ये बुक है और ये एक चैप्टर है, तो आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, इन पूरे चैप्टर्स की एक समरी की तरह बना लिया है। तो अगर आप देखेंगे अलग अलग कलर्स को यूज किया है, ये देखिए फिगर्स को यूज करिए, कलर्स को यूज करिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार में नोट डाउन कर लीजिए, जैसा कि मैंने ये किया है। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब एग्जाम आएगा तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये छोटे छोटे फैक्ट्स फिगर जो आपने बनाए हैं इस तरीके से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान में रखिएगा अलग अलग कलर्स यूज करिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर रेड यूज किया है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, और इस तरीके से अगर कुछ बनाना है आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में आप एक खाली पेज भी छोड़ दीजिए। ये ब्लैंक पेज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनकेस अगर आपको कोई अपडेट मिलता है या कोई न्यू फैक्ट मिलता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैंने हर एक चैप्टर का एक छोटा छोटा नोट्स तैयार किया हुआ है। एक बार आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये सारे आइडियाज। थैंक यू।